नमस्कार दोस्तों, विज क्रिएटिव फिटर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग डायल कैलिपर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाई की थी। वर्नियर कैलिपर का उपयोग पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और लिस्ट काउंट के बारे में पूरी जानकारी दी थी। उसकी सभी वीडियोज हमारे यूट्यूब लिंक में है, आप वो जरूर देखिएगा। आज के इस लेसन में हम लोग डायल कैलिपर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम जो कैलिपर होते हैं उसके प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में एक बीम स्केल होती है और स्केल होती है, जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। इसकी सहायता से किसी भी जॉब के बाहरी, अंदरूनी और गहराई के माप एक साथ ब्रिटिश और मेट्रिक सिस्टम में ले सकते हैं। मेट्रिक सिस्टम में हम लोग 0.02 mm इतनी एक्यूरेसी से किसी भी जॉब के माप ले सकते हैं। डायल कैलिपर, इस कैलिपर की सहायता से हम लोग अंदरूनी, बाहरी और गहराई के माप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक मेन फर्क है। इसकी सहायता से हम या तो मेट्रिक सिस्टम में ले सकते हैं या फिर ब्रिटिश सिस्टम में मेजरमेंट ले सकते हैं। डिजिटल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर की सहायता से किसी भी जॉब के बाहरी, अंदरूनी और गहराई के माप एक साथ मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में ले सकते हैं। डायल कैलिपर, यह एक कैलिब्रेटेड सटीक माप उपकरण है, जिसकी सहायता से हम लोग बिल्कुल सटीक माप ले सकते हैं। आजकल इस कैलिपर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। पार्ट्स ऑफ डायल कैलिपर, अपर जॉब फॉर इंटरनल मेजरमेंट्स रेफरेंसेज, लोअर जॉब फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट्स, बेजल नट, डायल नट, क्लैंप स्क्रू, बीम, डेप्थ रॉड, स्केल, लॉक स्क्रू, डायल इंडिकेटर, निडल, ये इसके मेन पार्ट्स है। अपर जा, अपर जा की सहायता से हम किसी भी जॉब के छेद या स्लैट के व्यास हम ले सकते हैं। लोअर जा की सहायता से जॉब की चौड़ाई, लंबाई और व्यास मापने के लिए किया जाता है। डायल कैलिपर डेप्थ रॉड, डेप्थ गेज का उपयोग किसी भी स्लॉट की गहराई या होल की गहराई जांचने के लिए किया जाता है। ये स्लाइडिंग जो यूनिट होता है उसके साथ ये अटैच किया होता है। डायल मुख्य बीम स्केल पर के साथ डायल माप प्रदर्शित करता है। ये जो स्लाइडिंग यूनिट होता है उसके साथ ये फिट रहता है डायल। डायल इंडिकेटर निडल, इसकी सहायता से हमें माप, कौन सा माप है, कौन से यूनिट पार किया है, ये पता चल जाता है। डायल कैलिपर लॉक स्क्रू, लिए गए माप सुरक्षित रहना चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेजरमेंट को लॉक करने के लिए लॉक स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। डायल कैलिपर रेफरेंस एज, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट्स है, जिसकी सहायता से हम बीम की जो रीडिंग होती है, जितने यूनिट पार किया है वो हम ले सकते हैं। डायल कैलिपर मेन स्केल, इसके ऊपर ये बीम के ऊपर होती है, इसमें ग्रेजुएशन किया रहता है मेन स्केल की। बीम वह जगह है जहाँ पर मेन स्केल पाया जाता है। इसमें जो वर्नियर स्लाइड यूनिट होता है वो बीम के ऊपर ही आगे पीछे होता रहता है। डायल कैलिपर थंब स्क्रू की सहायता से हम लोग जो स्लाइडिंग यूनिट होता है पूरा उसको आगे पीछे कर सकते हैं। डायल कैलिपर बेजल नट,
कैलिब्रेट करने के बाद बेजल नट की सहायता से डायल को लॉक किया जाता है ताकि वो मेजरमेंट ना बदले, सेटिंग बार बार चेंज ना हो, इसलिए उसको कैलिब्रेट करने के बाद लॉक किया जाता है। हाउ डज अ कैलिपर वर्क्स? कैलिपर एक रैक और पिनियन की प्रणाली पर कार्य करता है। लीनियर मूवमेंट को डायल इंडिकेटर के रोटरी गति में स्थानांतरित करता है। इसमें एक गियर ट्रेन होती है जो कैलिपर के जबड़े के बीच में की दूरी को समायोजित करके यांत्रिक रूप से डायल इंडिकेटर को सुई को चलाती है। जो नीडल है उसको ये चलाने का कार्य करते हैं। ये जो रैक का और पिनियन गियर होता है उसमें ये रैक फिट रहती है बीम के ऊपर, पूरे इसमें गियर टूथ होते हैं, इसी के ऊपर पिनियन गियर चलता है। जैसे ही जबड़े को खुले या बंद होते हैं, डायल के अंदर का पिनियन इस रैक को नीचे कर देता है। जबड़े के छोटे मूवमेंट को ट्रांसफर किया जाता है और बड़े मूवमेंट में बदल दिया जाता है। मतलब जो पिनियन होता है बहुत छोटा है, उसको छोटे को मूवमेंट करने के बाद निडल घूमती है और वो ये बड़े मूवमेंट आपको दिखती है। एडवांटेज ऑफ डायल कैलिपर, नो बैटरी रिक्वायर्स। डायल कैलिपर में रैक एंड पिनियन के ऊपर कार्य करता है, इसीलिए उसमें बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर्यावरण और आर्थिक रूप से बिल्कुल अनुकूल है। कैन बी यूज इन वेट कंडीशन। भले ही डायल कैलिपर वाटर प्रूफ ना हो, लेकिन इसको हम नमी में भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट आर क्लियरली डिस्प्ले। डायल कैलिपर में जो मेजरमेंट्स होते हैं वो क्लियर दिखते हैं आपको, इसमें कोई एरर आने की संभावना नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ऑफ डायल कैलिपर, यदि कैलिपर अगर नीचे गिर गया और उसमें रैक एंड पिनियन में कोई खराबी आ गई तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। मेजरमेंट्स आर इन आइदर मिलीमीटर और इंचेस। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक डायल कैलिपर की सहायता से आप एक तो ब्रिटिश सिस्टम में ले सकते हो या फिर मेट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट ले सकते हो, और ये हमेशा उसमें त्रुटि रहती है। एक ही सिस्टम प्रयोग में लाई जा सकती है, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है उसमें दोनों सिस्टम लाए, ऊपर ब्रिटिश होती है और नीचे मेट्रिक सिस्टम होती है। डिजिटल में भी आपको मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में भी माप ले सकते हैं, लेकिन डायल कैलिपर में आपको एक तो या तो मेट्रिक सिस्टम में या फिर ब्रिटिश सिस्टम में माप ले सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर योर डायल कैलिपर। अपने कैलिपर को जाको सबसे पहले पूछना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। आपको यह भी जानना है कि कैलिपर ढंग से कैलिब्रेटेड है या नहीं। कैलिब्रेट करने के लिए आपको जीरो मिलाना पड़ेगा, मतलब दोनों जा जो होते हैं आपको आपस में मिलाना पड़ेगा, और उसमें कोई रोशनी नहीं दिखनी चाहिए। दिखने मिलाने के बाद आपको डायल की निडल देखनी चाहिए, अगर वो आगे पीछे है तो आपको वो बेजल नट लूज करके आपको उसको एडजस्ट करना है, लॉक करना है। इस तरह से आपको अगर एरर आ गई तो आपको ये करना है, ठीक करना है। ये जो नट होता है बेजल नट, इसको लूज करके आपको बेजल को घुमाना चाहिए, और जहाँ निडल होती है जीरो वहाँ तक जीरो उसको एडजस्ट करके उसको ठीक कर लेना चाहिए, और उसके बाद बेजल नट को टाइट कर देना चाहिए। इस तरह से आपका वो जीरो कैलिब्रेशन हो जाएगा। हाउ टू टेक आउटसाइड मेजरमेंट यूजिंग अ डायल कैलिपर। आउटसाइड मेजरमेंट के लिए हम लोग ये नीचे के जा होते हैं उसका प्रयोग किया करते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले आपको बाहरी जा खोलना है, और जिस चीज के आपको माप लेना है तो दोस्त थंब स्क्रू होता है उसकी सहायता से आपको एडजस्ट करके बिल्कुल
फिट करना है, ये पहली स्टेप है, टर्न टू लॉक। उसके बाद आपको लेने के बाद आपको लॉक करना है, लॉक करने के बाद आपको दोनों रेफरेंस एज वाली रीडिंग और डायल वाली रीडिंग को आपको मिलाना है आपस में। इनसाइड मेजरिंग फेस, आपको अगर अंदरूनी माप लेने हैं तो कैसे लेना चाहिए, जबड़े को पूरी तरह से बंद कर दे ताकि वर्नियर कैलिपर सुनने पड़ सके। इसके बाद आपको इस तरह से वो फॉलो करना है, थंब स्क्रू को एडजस्ट करके आपको उस स्लॉट में जो निप्स होते हैं इनसाइड अटैचमेंट आपको फिट करना है, और उसके बाद आपको लॉक करना है ताकि आपका मेजरमेंट चेंज ना हो। और उसके बाद आपको मेजरमेंट लेने हैं, आपके ये रेफरेंस एज का भी मेजरमेंट और ये दोनों को आपको मिलाना है। डेप्थ बार का यूज कैसे किया जाता है, गहराई छड़ को आपको स्लॉट या गहराई में उसको डालना है, और उसके बाद आपको थंब स्क्रू से थोड़ा सा एडजस्ट करके वो मेजरमेंट लेना है। उसके बाद ये उसकी पोजीशन नंबर एक रहेगी। उसके बाद आपको वो लॉक करना है, थंब स्क्रू को लॉक करना है। और उसके बाद आपको रेफरेंस एज और ये दोनों रीडिंग आपको लेना है, दोनों को मिलाना है। हाउ टू मेजर स्टेप यूजिंग अ डायल कैलिपर, मतलब आपको कैलिपर की जो रीडिंग है उसके लिए कौन सी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो है स्टेप मेजरिंग स्टेप डायमेंशन आपको लेना है, तो इस तरह से आपको वो लेना है। ओपन जा, उसके बाद लॉक करना है आपको, और उसके बाद दोनों मेजरमेंट मिलाना है। हाउ टू रीड अ मेट्रिक डायल कैलिपर, डायल कैलिपर पर पढ़ना मुख्य बीम स्केल पर दिखाए गए मूल्य और डायल पर दिखाए गए मूल्य को कॉम्बिनेशन करना है, मतलब यहाँ के जो रेफरेंस एज जितने भी पार कर चुके हैं वो आपको लेना है, और उसके बाद डायल के जो वैल्यू होती है उसको आपको लेना है। इस तरह से आपको लेना है। माप लेते समय आपको पहले मुख्य स्केल पर मूल्य पढ़ना चाहिए, मतलब ये मेन स्केल के जो होते हैं रेफरेंस जितने भी पार कर रहे होते हैं वो आपको लेना है, और उसके बाद डायल की रीडिंग लेना है। और अगला जो स्टेप होता है वो डायल की रीडिंग, इस तरह से आपको डायल की रीडिंग लेना है। और उस तीसरी स्टेप में आपको दोनों को मिलाना है, रेफरेंस एज जितना पार कर चुका है वो और डायल की रीडिंग जो होती है वो आपको दोनों को मिलाना है। लिस्ट काउंट, आज हम डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो बीम स्केल होती है उसमें एक एक मिलीमीटर के अंतराल से ग्रेजुएशन होती है, और उस एक मिलीमीटर के डायल के अंदर, इसलिए बीम स्केल के एक डिवीजन की कीमत एक मिलीमीटर होगी। डायल के अंदर 100 डिवीजन होते हैं, जब नीडल एक चक्कर लगाती है तो 100 डिवीजन पार होते हैं, मतलब घूम जाते हैं पूरे। जब नीडल एक चक्कर लगाती है मतलब एक मिलीमीटर आगे या पीछे होती है तब 100 डिवीजन की मूव होती है। इसलिए जब एक ही डिवीजन पार करेगी नीडल तो अंतर क्या होगा, वही उसका लिस्ट काउंट होगा। इस तरह से हमारा ये लिस्ट काउंट होगा 0.01 mm, ये हमारा लिस्ट काउंट हो रहेगा। मतलब जो डायल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसकी एक पार्ट की जो कीमत होगी वो 0.01 mm होगी। अब हम इसके ऊपर रीडिंग कैसे शो किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसे कि
8.26 mm हमें रीडिंग शो करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आती है जो डायर कैलिपर रेफरेंस एज रीडिंग। तो हमारे जो ये होते दशमलव के पहले की वैल्यू, वो आपको लेना है, उसको 1 मिलीमीटर से गुना करना है। 1 मिलीमीटर से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि जो बीएम की रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर के अंतराल से होती है, इसीलिए उसको हमको पूरे लेना है 8 × 1 mm। दूसरा जो स्टेप है वो डायल यूनिट। डायल यूनिट आपको जो डायल के अंदर होते हैं उसको लेना है। हमारे 26 और जो यूनिट होते हैं वो कौन साइड होता है, इसीलिए उसको 0.01 mm जो कि उसकी वैल्यू है, एक डिवीजन की वैल्यू है, उससे गुना करना पड़ेगा और उसके बाद टोटल रीडिंग। इस तरह से ये रीडिंग शो किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग को डायल कैलिपर में कैसे लिया जाता है वो एनिमेशन के द्वारा हम देख लेते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। एट पॉइंट टू सिक्स एम एम हमारी ये जो रीडिंग थी 8.26 mm। चलिए दोस्तों, और एक रीडिंग लेते हैं 84.96 mm। ये रीडिंग कैसे शो किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप है डायल कैलिपर रेफरेंस एज, हमारी रेफरेंस एज जो है वो 84 डिवीजन पार कर लेती है, उसको 1 मिलीमीटर से गुना करना पड़ेगा। दूसरी स्टेप है हमारे डायल यूनिट की जो रीडिंग होती है वो लेने पड़ेंगे। 96वां पार्ट हमारा शो कर रही है नीडिंग निडल, उसको 0.01 mm से गुना करना है। और तीसरा स्टेप है टोटल रीडिंग। इस तरह से हमारी जो रीडिंग है 84.96। अब इसको हम एनिमेशन के द्वारा हम देख लेते हैं कि कैसे रीडिंग दिखाई जाएगी। इस तरह से हमारी रीडिंग चालू हो गई अभी। हमारी रीडिंग है 84.96। ये हमारे कौन साइड हो गए, इधर 96वां पार्ट और इधर 84। इस तरह से ये रीडिंग ली जाती है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। इसी नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।